आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मुझे प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया कि मैं इसको कर सकता हूँ, बट यार मेरे को दो दुकानें संभालनी होती हैं, मेरे को 6-7 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, और यार मेरी 9 to 5 जॉब है, मैं इस काम तो कर तो सकता हूँ बट मेरे पास समय नहीं है यार इसको करने के लिए। दोस्तों क्या ये सवाल आपको मार्केट में आया है? 100% अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अपना प्रेजेंटेशन शो किया होगा तो कभी किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको ये तो बोला ही होगा कि मेरे पास समय नहीं है। तो आज मैं प्रिंस रॉयसन इस पूरी वीडियो में कवर करूंगा इसी क्वेश्चन को कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि मेरे पास समय नहीं है तो उसका जवाब कैसे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोले कि मेरे पास समय नहीं है तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि अगर वो ये बहाना मार रहा है तो ये कोरा झूठ है। क्या मैंने बोला? कोरा झूठ है। क्यों? क्योंकि आज बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, मुकेश अंबानी है, जेफ बेजोस है, एलन मस्क है, वो अरबपति हैं, खरबपति हैं, बट आज उनके पास समय है। वो हफ्ते में एक एक दो दो बुक्स पढ़ लेते हैं, और ये जो सामने मेरे इंसान बैठा है या तो अरबपति होना चाहिए बट ये नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बहाना मार रहा है। क्योंकि भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे दिए हैं, हमको भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए और आपके प्रोस्पेक्ट को भी 24 घंटे दिए हैं, और कुछ लोग उन्हीं घंटों का इस्तेमाल करके अरबपति या सैकड़ों की इनकम कमा रहे हैं, लाखों की इनकम कमा रहे हैं, हजारों की इनकम कमा रहे हैं। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट इन्हीं में से कुछ है या सैकड़ों या हजारों कमा रहा है तो साफ साफ वो झूठ बोल रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि मेरे पास समय नहीं है तो इसका सोल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने फील फेल्ट फाउंड लगाना कभी नहीं भूलना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है आप उसको जरूर देखिए, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने उसे फील फेल्ट फाउंड लगाना है, यानी उसकी बातों को एक्सेप्ट करना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय ना होना कामयाब लोगों की निशानी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपनी लाइफ के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप जिस भी काम को लेते हैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा भी करते हैं, और लोग काम उन्हीं को देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, क्योंकि निठल्ले लोगों से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। अगर आपने मुझे ये बोला है कि आपके पास समय नहीं रहता तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं एक सही व्यक्ति के साथ बैठा हूँ। सर मैं समझ सकता हूँ समय ना होने का दर्द, आप कहीं ना कहीं इसका समाधान जरूर चाहते होंगे, क्योंकि आज धरती पे जितने भी करोड़पति हैं उनके पास तो समय ही समय है। आज बड़े बड़े मिलियनेयर बिलियनेयर हफ्ते में एक एक दो दो तीन तीन बुक्स पढ़ लेते हैं, मतलब उनके पास आज समय है, और हम सैकड़ों हजारों कमा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सर समय ना होना प्रॉब्लम नहीं है, समय का सही मैनेजमेंट ना होना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और हम यहाँ लोगों को समय का सही मैनेजमेंट सिखाते हैं कि इन्हीं 24 घंटों में आप एकदम प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, अपने समय को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, समय ना होना हमारे लिए उपलब्धि है या बहुत बड़ी समस्या है? सर कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि समय का हमारे पास ना होना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है? हाँ तो सर कहते हैं कि अगर हमारे पैर में एक कांटा चुभा है तो दूसरा कांटा चुभा के ही उसको निकाला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास समय नहीं है। हम इन फ्यूचर में ये थोड़ी ना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे पास कभी समय ना रहे, तो सर थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास समय ही समय होगा, आप फ्री रहेंगे तब भी आपको इनकम आएगी। सर क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका परिवार कहीं घूमने जाना चाहे और आप उनको बोलो कि मैं जॉब करता हूँ मेरे पास समय नहीं है? आपका परिवार किसी फैमिली फंक्शन में जाना चाहे अब आप उनके साथ ना जा सके, क्यों? आपके पास तो समय नहीं है। सर आप ऐसा नहीं चाहते ना, यही तो वो कारण है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और मैं आपको इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। सर एक बात मानिए, एक व्यक्ति एक काम को 100 दिन में करता है तो 100 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल, एक दिन में। सर हम अकेले काम कर रहे हैं इसीलिए हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारे काम का बोझ सिर्फ हमारे अकेले के ऊपर है। अब सर अगर हमारे साथ 100 लोग काम कर रहे हो, मान लीजिए आप एक दुकानदार है, आपकी एक नहीं 4 दुकानें हैं, तो सर आपके लिए बेनिफिट है कि नुकसानदेह है? 100% बेनिफिट है। सर आपके पास काम करने वाले हाथ जितने बढ़ेंगे आपके पास समय की उतनी आजादी आएगी। सर हमारा सिस्टम हमारा प्रोडक्ट आपको मौका देता है
कि आप यहाँ से लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं और अपने काम कराने वाले हाथों को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप टाइम फ्रीडम में आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सर मैंने देखा है कि जो व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं होता, रियलिटी में उसके पास पैसा भी नहीं होता। हम 10, 15, 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि 1.5 लाख रुपए सप्ताह, 6 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाए इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। टाइम के साथ एनर्जी बढ़ती है और टाइम के साथ एनर्जी कम हो जाती है। सर अभी जो एनर्जी आपके अंदर है, अगर आप सही जगह पर मेहनत लगा लेंगे, अगर आप इस प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ से अगर आप 1000 लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, तब सर जिंदगी भर वो 1000 लोग आपके लिए काम करेंगे। आप यहाँ नौकर नहीं रहेंगे, आप यहाँ मालिक बन जाएंगे। आपका काम होगा बस अपने टाइम से थोड़ा सा समय निकालकर लोगों को मैनेज करना। आपको एक और फैक्ट की बात बताता हूँ, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, मूवी से तो करोड़ों रुपया कमाते ही कमाते हैं, प्लस एड्स क्यों करते हैं, वो वहां से वो एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो लोग क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हैं, वहां से पैसा कमाते ही कमाते हैं, प्लस उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट बिजनेस में आकर वहां से भी इनकम जनरेट करते हैं। आप ही मुझे बताइए, जिस काम को आप कर रहे हैं आप उसे करते रहिए, 1 साल करते रहिए, 10 साल और करते रहिए, आपको क्या लगता है आपको समय की आजादी मिल जाएगी? जिस बिजनेस में आप आने जा रहे हैं, ये बिजनेस सबसे पहले तो पार्ट टाइम चलता है, उसके बाद फुल टाइम चलता है, उसके बाद ओवर टाइम भी जाता है, बट धीरे धीरे ये ओवर टाइम से फिर फुल टाइम पे आ जाता है, और फुल टाइम के बाद ये फिर पार्ट टाइम पे आ जाता है। और सर एक दिन ऐसा आता है जब आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास इनकम आती रहती है। जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद दें, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप किराए के मकान बना दें, अब आपको वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको हर महीने किराया आना ही आना है। तो सर उसी तरीके से आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं एज ए लाइबिलिटी नहीं, ये बिजनेस एक ना एक दिन आपके लिए एसेट बन जाता है। सर आज तक आपने पैसे के लिए काम किया, आइए सर मिलकर एक टीम का हिस्सा बनकर हम समय कमाने के लिए काम करते हैं, मान सम्मान के लिए काम करते हैं, समाज में अलग पहचान बनाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थर्ड पार्टी रेफरेंस जरूर दें, सामने वाला व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट जिस भी प्रोफेशन में है, आप पहले से ही सेम प्रोफेशन से रिलेटेड लीडर की स्पीच को तैयार रखें, आप उनको दिखाएं और उनको बताएं कि आज सर जिस व्यक्ति को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपकी कैटेगरी के ही है, आपका और उनका प्रोफेशन एक जैसा था, उन्होंने भी आज हमारे सिस्टम में शुरुआत की, आज आप सर देख सकते हैं उनके पास समय समय है, उनकी इतनी बड़ी टीम है, उनका आप मान सम्मान यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी क्या क्या अचीवमेंट है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर अगर उनके साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है, अपनी सोच से भी आगे जा सकता है। क्यों हम अपनी सोच को बांध के रखें 9 to 5 जॉब में, क्यों हम अपनी सोच को बांध के रखें 2 दुकानों के अंदर, क्यों हम अपनी सोच को बांध के रखें 2 से 3 घंटों के अंदर? सर आइए हाथ मिलाइए, हम बहुत आगे जाएंगे, बस सिस्टम को सीखना है और वर्क करना है। सो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में आज जाना कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, और अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब देना सीख गए, तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन होना चाहेगा, आपके साथ आना चाहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने उसे दे दिया है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी सवाल को लेकर अलग से मेरे से वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और सबसे बेस्ट कमेंट को मैं अगली वीडियो में पिन करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।